तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तर आप देख रहे हैं डेढ़ इस वीडियो में बात करेंगे इन्फिनिक्स के अपकमिंग डिवाइस के बारे में। जी हां, इन्फिनिक्स उस दिन पहले इंडिया में एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च किया, विच इज इन्फिनिक्स हॉट 8, जो मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली। जी हाँ, इन्फिनिक्स हॉट 8 एक्चुअली 7,000 रुपये के बजट में काफ़ी एक बढ़िया स्मार्टफोन था, जहाँ पर आपको हर तरीके का चीज़ दिया गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटरी, 4GB रैम, 64GB रोम, ट्रिपल कैमरा, सभी कुछ दिया गया था, विच इज़ ए प्रिटी गुड वैल्यू फॉर मनी, और जिसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मतलब इन्फिनिक्स हॉट 8 जब कोलकाता में लॉन्च हुआ था, मैंने कुछ कुछ फोटो भी आपको पोस्ट करके दिखाया था ऑन माई इंस्टाग्राम, उसके लिए यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम स्लैश डैडो 15। तो वहाँ पर जाके मैंने इन्फिनिक्स का अपकमिंग कुछ कुछ डिवाइस को देखा था, जिसमें से ये इन्फिनिक्स S5 भी शामिल है। जी हाँ, इन्फिनिक्स S5 मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, उसको मैं थोड़ा टाइम के लिए इस्तेमाल भी कर चुका हूँ। खाली यही नहीं, इन्फिनिक्स से और भी बहुत सारे स्पेशल एक्सेसरीज भी लॉन्च होने वाले हैं, हालांकि वो सब मैं अभी रिवील नहीं कर पाऊंगा। हालांकि उसमें से कुछ कुछ एक्सेसरी मेरे पास भी है, आई एम ऑल्सो यूजिंग दैट, और मैं इन्फिनिक्स को फीडबैक भी शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ मुझे देखने को मिला था वही कोलकाता के इवेंट में, और आज हम लोग बात करने वाले इन्फिनिक्स S5 के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, एकदम फ्री है, उसके साथ साथ घंटी भी दबा दो जो भी एकदम फ्री है। सो दैट बींग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोलकाता में जब इवेंट हुआ था इन्फिनिक्स हॉट 8 लॉन्च का, तब चाइना से उनके जो भी R&D डिपार्टमेंट के हेड है वो यहाँ पर आए, तो उनसे काफ़ी सारा बात हुआ, उन्होंने बहुत सारा डिज़ाइन हम लोगों से शेयर किया, बहुत सारा फीडबैक मांगा था, हम लोग अपने तरफ से बहुत सारा फीडबैक उन लोगों को दिए, और तभी हम लोगों को देखने को मिला था इन्फिनिक्स S5। यहाँ पर दो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये वाला डिवाइस आपका अंडर 10,000 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है, विच इज़ रियली ग्रेट। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ, पंच होल डिस्प्ले। इससे पहले पंच होल डिस्प्ले हम लोगों को देखने को मिला था कम से कम 15,000 से 16,000 रुपये के बजट में, लेकिन इस बार अंडर 10,000 रुपीज़ में भी आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पर पंच होल डिस्प्ले में कैमरा आपको देखने को मिलेगा। डिवाइस आपको अलग अलग कलर के साथ मिलेगा, खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको AI क्वाड कैमरा भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, 4 कैमरा देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेंसर, लो लाइट सेंसर, प्रॉबेबली मैंने जितना देखा है ए वाइड एंगल कैमरा एंड ए पोर्ट्रेट सेंसर। तो ऐसे ही आपको 4 अलग अलग सेंसर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और 100S का लेटेस्ट वर्शन भी आपको मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग वाला बात ये है, ये वाला डिवाइस आपका आने वाला है अंडर 10,000 रुपीज़ में। तो आई थिंक अगर इसका प्राइस होता है 9 से 10,000 रुपए, तो ये इस बजट का पहला सेगमेंट होगा जहां पर वो लोग पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड करेंगे इस प्राइस रेंज में। इससे पहले आई थिंक वीवो Z1 Pro या फिर आप सैमसंग गैलेक्सी M40 में हम लोग देखे थे, जिसका प्राइस 15,000 to 20,000 रुपीज़ के आसपास था। तो अभी देखते हैं, इन्फिनिक्स हॉट 8 तो काफी एक अच्छा स्मार्टफोन रहा है इन्फिनिक्स के लिए और हम सबके लिए। अभी देखते हैं इन्फिनिक्स S5 क्या हम लोगों को सरप्राइज कर पाता है कि नहीं। एक्चुअली आई हैव कपल ऑफ सैम्पल्स एंड वीडियोज एक्चुअली, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी वो शो नहीं कर सकता, अंडर एम्बार्गो है कुछ, बट आई कैन गिव यू एन एश्योरेंस, ये वाला डिवाइस भी काफ़ी धमाकेदार होने वाला है और इसका प्राइस पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज, ये था आपका छोटा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फिनिक्स S5। सो आगे देखते रहिए मेरे चैनल और मुझे फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम, विच इज़ इंस्टाग्राम Redo15, जहाँ पर मैं इस डिवाइस के बारे में बहुत सारा अपडेट पोस्ट करता रहूँगा और मेरे बारे में भी आपको बहुत सारा अपडेट मिलता रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो जो भी एकदम फ्री, और घंटी भी दबा दो, तब आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, दिस इज योर होस्ट, मैं साइन ऑफ, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।